सेल्सियस सर्विस के हम प्रीवियस एक क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे, और आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन है आईएसएस 2016 स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 सेट ए के क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज 3x² + 7x + 10 एज्यूमिंग h इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x² + 7x + 10, हमें एक फंक्शन निकालना है जिसका फर्स्ट डिफरेंस एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं रिक्वायर्ड फंक्शन fx जिसका फर्स्ट डिफरेंस a होगा। ठीक है, और आप एक बार ध्यान रखिए यहाँ पे जो h है मतलब डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 1 है, तो अभी चलिए हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमने एक रिक्वायर्ड फंक्शन ले लिया fx और गिवन क्या हुआ है डेल fx इक्वल टू ये होगा। ठीक है, अभी 3x² + 7x + 10 इसको हम फैक्टोरियल नोटेशन में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो हम ऐसे ले लेते हैं कि लेट कि ये जो है इक्वल 3x² + 7x + 10 इक्वल टू 3x factorial 2, ये देखिए फैक्टोरियल नोटेशन का 2 है, प्लस ax factorial 1 और b मतलब फैक्टोरियल 0 मतलब 1 होता है तो यहां पे b, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो देखिए हमने इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखा है, तो अभी जो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1 है उसको हम एक्सप्रेस कर लेंगे, तो होगा वो 3x (x-1) और ax + b। ठीक है, तो चलिए अभी हम ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम x इक्वल टू 0 बैठाएंगे। तो देखिए x इक्वल टू का 0 बैठाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, तो b, तो देखिए यहां पर भी ये दोनों 0 हो जाएगा, तो यहां पर हमें मिलेगा b इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखिए यहां से हमें b इक्वल टू 10 मिल गया। अभी आप x इक्वल टू 1 बैठाते हैं, हम x इक्वल टू अगर 1 बैठाएंगे तो देखिए यहां पे ये टर्म 0 हो गया, यहां पे मिलेगा हमें a 1 मतलब x जगह पे हम 1 बैठाएंगे और b, b मतलब b इक्वल टू यहां पे देखिए 3 1² + 7 7x + 10। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू हमें पता है, b का वैल्यू 10 है, तो हम b का वैल्यू बैठा देंगे, तो 10 इक्वल टू 3 प्लस 7 10। तो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं यहां पे 10 और 10 कट हो जाएगा, तो a का इक्वल a वैल्यू कितना आया, वैल्यू आया 10। ठीक है, तो हमें b का वैल्यू क्या मिला, b का वैल्यू 10 मिला और a का वैल्यू 10 मिला। तो देखिए तो हमें क्या मिला, देन x f ऑफ x इक्वल टू हमें मिला है, तो देखिए यहां पे क्या मिला हमें 3x² + 10x1 + 10। ठीक है, अभी हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे जिससे हमें fx जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लिख लेते हैं, तो देखिए अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें fx मिल जाएगा। तो देखिए यहां पे स्क्वायर था तो इसीलिए क्यूब हो गया और डिवाइडेड बाय 3, यहां पे x था x वैल्यू 1 था तो यहां पे स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे 10 था यहां पे 10x हो गया इंटीग्रेशन के बाद, और यहां पे जो है वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहां पे 3 और 3 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 3x factorial 3 प्लस यहां पे 2 यहां पे कट हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 5x factorial 2 + 10x + c। तो देखिए ये जो है वो हमारा सी ऑप्शन है, तो हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें हमने क्या देखा है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें पहले हमें एक fx लेना है मतलब जो होगा रिक्वायर फंक्शन, तो हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है कि डेल fx इक्वल टू 3x² + 7x + 10। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है जो ये एक्सप्रेशन है। यहां पे देखिए आप एक बार ध्यान रखेंगे जो h का वैल्यू है वो यहां पे 1 है, इसीलिए हमने जो फैक्टर लिया वो डिफरेंस 1 लिया है। तो देखिए यहां पे इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टर रिप्रेजेंटेशन किया है, तो फैक्टर रिप्रेजेंटेशन करने के बाद यहां पे हमने x का वैल्यू 0 बैठाया तो हमें b का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू 1 बैठाया तो हमें a का वैल्यू मिल गया, इसका हम इंटीग्रेशन किए तो हमें a फॉर्म मिल गया। आप एक बार ध्यान रखेंगे जो आपका आंसर है ये हमारा फैक्टोरियल नोटेशन में दिया हुआ है, इसीलिए हम यहां तक किए। अगर मान लीजिए यहां पे फैक्टोरियल नोटेशन में नहीं कि नॉर्मल नोटेशन में होता मतलब पॉलीनोमियल फॉर्म में होता, तो यहां पे हम एक्स क्यूब और मतलब फैक्टोरियल को हम दोबारा पॉलीनोमियल में ट्रांसफर करते, पर यहां पे पॉलीनोमियल तक आंसर करना है क्योंकि पॉलीनोमियल में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर मिल गया वो है 3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको टाइम टू नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।